Hello, I am Doris Das, Assistant Professor, Department of Botany, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University. We'll discuss today about oils and fats with special reference to groundnut. Economic botany mein oils and fats ka bahut mahatv hota hai. केमिकली वेजिटेबल ऑयल और फैट जो है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. इनमें अधिकतर ओलिक एसिड होता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये अधिकतर लिक्विड होते हैं. चूँकि इनमें नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी होती है, जल्दी वाष्पीकृत नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें फिक्स्ड ऑयल भी कहा जाता है. बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता है, ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडर होती है इनकी. फैटी ऑयल्स जो हैं ये सीड्स के अंदर रिजर्व फूड के रूप में उपस्थित होते हैं. अधिकतर सीड्स में होते हैं, परंतु फ्रूट, ट्यूबर, स्टेम और पौधे के बाकी हिस्सों में भी हो सकते हैं. ये पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आराम से घुल जाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. वायुमंडल से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की उनकी क्षमता के आधार पे ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को चार मुख्य भागों में बांटा गया है. पहला है ड्राइंग ऑयल. इस तरह के ऑयल जो हैं, देर अगर वायुमंडल में इनको एक्सपोजर मिलता है तो ये एक पतली सी इलास्टिक फिल्म बना लेते हैं अपने ऊपर. इसका एग्जांपल है सोयाबीन ऑयल, पॉपी ऑयल, लिंसेड ऑयल वगैरह. और पेंट और वार्निश इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है. दूसरा है सेमी ड्राइंग ऑयल. ये ड्राइंग और नॉन ड्राइंग के बीच के होते हैं. बहुत देर तक खुले में रहने से इनके ऊपर एक पतली नर्म सी फिल्म आ जाती है, थोड़ा जम सा जाता है ये. और ये खाने के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और सोप और कैंडल इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. इसका एग्जांपल है सिसमे ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा. तीसरा है नॉन ड्राइंग ऑयल. ये ऑयल जो हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ये लंबे एक्सपोजर के बाद भी लिक्विड ही रहते हैं, जैसे ये हैं वैसे ही रहते हैं. ये सैचुरेटेड एसिड और ओलेइक एसिड इनमें भरपूर मात्रा में होता है. ये अधिकतर खाद्य तेल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है और सोप और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल होता है. और इसका एग्जांपल है ग्राउंडनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एट्सेट्रा. चौथा है फैटी ऑयल्स या वेजिटेबल ऑयल्स. इस तरह के ऑयल जो हैं ये नॉर्मली ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड या सॉलिड होते हैं और इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत मात्रा में होता है. ये भी नॉर्मली खाद्य तेल के रूप में इनका इस्तेमाल होता है और कैंडल सोप इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है. इसका एग्जांपल है कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल या कोको बटर एट्सेट्रा. अब इन सब से वेजिटेबल ऑयल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? ये जो ऑयल या फैट होते हैं ये पौधे के जो कोशिकाएं हैं, दस प्लांट के सेल्स जो होते हैं स्पेशली सीड में, ये इनसॉल्युबल ड्रॉपलेट्स की तरह रहते हैं. और इनका एक्सट्रैक्शन करने से पहले सीड कोट को हटा दिया जाता है स्पेशल डीकॉर्टिकेटिंग मशीन्स के द्वारा. और उसके बाद जो सीड कर्नल्स बचते हैं उनको, उनका पेस्ट बना लिया जाता है. इस पेस्ट को बनाने के बाद ऑयल का एक्सट्रैक्शन दो तरह से हो सकता है. पहला है मैकेनिकल एक्सप्रेशन.
इसमें प्रेशर द्वारा ऑयल बियरिंग टिश्यूज़ को स्क्वीज़ कर लिया जाता है ताकि उसमें से ऑयल या फैट निकाला जा सके, और इसके लिए हाइड्रोलिक प्रेसिंग या स्क्रू प्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल जो इससे एक्सट्रैक्ट होता है उसको फ़िल्टर कर लिया जाता है और रिफाइन करके इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल एक्सप्रेशन के बाद जो बचा हुआ केक रहता है, जो प्रेस्ड केक बच जाता है, उसमें से भी बची हुई जो ऑयल की मात्रा है उसको निकालने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है, और उसके लिए गैसोलीन, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि, पेट्रोलियम ईथर आदि सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें घोल करके उसके बाद फैटी ऑयल्स को डिस्टिलेशन द्वारा इन सॉल्वेंट से अलग कर दिया जाता है और रिफाइन करके इनकी इम्प्योरिटीज़ को भी हटा लिया जाता है। उसके बाद भी जो बच जाता है वो रेसिड्यू जो है वो प्रोटीन रिच होता है, और उसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़र के रूप में या फिर कैटल फीड के रूप में किया जाता है। अब आते हैं ग्राउंड नट पे, जिसका बोटानिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया, फैमिली फैबेसी, और वर्नाकुलर नेम इसका जो है मूंगफली, या लोग चिनिया बादाम भी कहते हैं। ये ब्राज़ील का नेटिव है और उसके बाद धीरे धीरे बाकी कंट्रीज तक ये पहुंचा है, और आज अगर माने तो इंडिया ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है चाइना, यूएसए, सूडान, सेनेगल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ये भारत आया था, और भारत में ये तकरीबन 7.5 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर करता है ये क्रॉप, और इसका एनुअल प्रोडक्शन जो है तकरीबन 6 मिलियन टन्स है। भारत में ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ग्राउंडनट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये एक लो ग्रोइंग एनुअल हर्ब है और इसकी हाइट तकरीबन 30-60 सेंटीमीटर्स होती है। इसकी स्टेम सिलेंड्रिकल होती है और हेरी होती है। लीव्स जो होते हैं वो अल्टरनेट हैं, क्वाड्रीफोलिएट हैं और स्टिप्यूलेट हैं। फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, पेपिलोनेशियस होते हैं और पीले रंग के होते हैं। या तो वो सिंगली अकर करते हैं या कभी कभी क्लस्टर्स में होते हैं, तो 2 से 4 के क्लस्टर्स में लीव के एक्सल पे शॉर्ट ब्रांचेस पर रहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर बियरिंग ब्रांचेस होती हैं, जिन ब्रांचेस पे फूल होते हैं, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती हैं, सॉइल की तरफ, और जब तक ओवरी पूरी तरह सॉइल के अंदर ना चली जाए, मतलब ये पूरे फूल सॉइल के अंदर ना चले जाए, तब तक फ्रूट नहीं बनता है। अर्थात फ्रूट जो बनता है ग्राउंडनट का वो सॉइल के या ज़मीन के अंदर बनता है। मैच्योर फ्रूट्स जो होते हैं वो ओब्लोंग होते हैं, इनडेहेसेंट, अपने आप नहीं खुलते हैं, उन पर लंबी लंबी रिजेस होती हैं और उनमें 1 से लेकर 3 तक सीड्स होते हैं। और पॉड्स जो हैं वो जो बीज होते हैं उनके ऊपर से वो थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो फल जो या पॉड्स जो होते हैं उनको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर कितने सीड्स होंगे। जितने रिजेस होंगे, जितने कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगे, उतने ही उनमें सीड्स होंगे। सीड्स जो हैं वो ओवॉइड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और उनका रंग जो होता है वो ब्रिक रेड या रस्ट की तरह होता है, उनके सीड कोट का कलर। जो ग्राउंडनट कल्टीवेट किया जाता है वो 2 तरह का होता है, एक है बंच या इरेक्ट। इसके पौधे इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, और इनके जो पॉड्स हैं वो क्लस्टर्स में, जो फ्रूट होता है वो क्लस्टर्स में उगता है। और दूसरा है रनर या स्प्रेडिंग। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ये ज़मीन के साथ साथ ट्रेल करती हैं, अर्थात रनर की तरह, घास की तरह आगे बढ़ती हैं,
और इनके जो पॉड्स होते हैं पूरा ऑल अलोंग एक्सेल से निकलते रहते हैं और कंटिन्यू करते हैं। क्लाइमेट, ये क्रॉप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तकरीबन 1000 अल्टीट्यूड तक ये ग्रो कर सकता है। एनुअल रेनफॉल 500 टू 1250 mm की ज़रूरत होती है इसको, और अच्छी रेनफॉल होने से क्रॉप यील्ड ज़्यादा होता है, और क्योंकि उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती है। बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग या बहुत ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा जाड़ा ये क्रॉप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत तरह की सॉइल में ये ग्रो कर सकता है, लेकिन लोम, सैंडी लोम और ड्रेन ब्लैक सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करता है। क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मली ये खरीफ क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है और उसी लैंड पे साल दर साल इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको ग्राम, मिलेट, कैस्टर, कॉटन या पैडी के साथ रोटेट किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी दूसरे फलों के साथ जैसे अनियन, पोटैटो, चिलीज के साथ भी इसको रोटेट किया जा सकता है। इसको मिक्स्ड क्रॉप के रूप में भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं, पर्ल मिलेट, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम और कैस्टर के साथ में मिला करके भी ग्रो किया जा सकता है। कल्टीवेशन, ये नॉर्मली रेन फेड क्रॉप है और मई से जून में या फिर अगस्त से सितंबर, अगर मॉनसून कहीं पर लेट होता है तो अगस्त से सितंबर में भी इनको कल्टीवेट किया जा सकता है। जनवरी से लेके मार्च तक या मई से लेके जुलाई तक भी जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है वहाँ पर इनको ग्रो किया जा सकता है। इसको ग्रो करने से पहले ज़मीन को बहुत अच्छे से काफ़ी बार प्लव करना पड़ता है, मिट्टी को उलट पलट करना पड़ता है, और मॉनसून के आने से पहले मिट्टी को तैयार कर लेना पड़ता है, सॉइल को रेडी करना पड़ता है। ऐसे तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रेनफेड क्रॉप्स जो हैं उनमें घरेलू खाद या फिर सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। और इसको ग्रो करने के लिए होल पॉट को ही सॉइल में डाला जाता है, या कहीं कहीं वेजिटेटिवली कटिंग से भी इसको प्रोपेगेट किया जाता है। ये क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए तकरीबन 120 दिन से लेके 135 दिन में तैयार हो जाता है। जब उसके पत्ते जो हैं वो पीले होने लगते हैं या फिर उसके जो कर्नल्स या पॉड्स जो हैं वो पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तब इनको हार्वेस्ट किया जा सकता है। बंच या इरेक्ट वैरायटी जो है उसको पूरे पौधे को हाथ से खींच करके बाहर निकाल लेते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा ढीला किया जा सकता है सॉइल को और फिर उनको खींच के बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद हाथों से ही उसको निकाल करके पॉट्स को अलग किया जाता है। और जो रनर वैरायटी होती है उसको डिगिंग या प्लाउइंग के द्वारा सॉइल से अलग किया जाता है, फिर पॉट को अलग करके पौधे से उसको धूप में 2 से 3 दिन के लिए सुखाया जाता है और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है। और अगर उसको डीकॉर्टिकेट करके अगर सीड्स को भी स्टोर करना है तो वो भी किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट सीड्स में जो ऑयल कंटेंट है वो 40-50% होता है, और इन सीड में से जो ऑयल है वो हाइड्रोलिक प्रेसेस या एक्सपेलर्स द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्राउंडनट ऑयल जो है वो नॉन ड्राइंग वेजिटेबल ऑयल है, और इसका रंग गोल्डन येलो होता है और इसमें हल्की सी एक गंध होती है। इसमें जो फैटिक एसिड्स होते हैं वो हैं ओलिक एसिड 56%, लिनोलिक एसिड 25%, पाल्मिटिक एसिड तकरीबन 6-12% होता है, और उसके अलावा स्टेरिक एसिड
अरेचिडिक और हायर सैचुरेटेड एसिड्स भी इसमें होते हैं। इन एसिड्स के अलावा इसमें फॉस्फोरस और विटामिन्स भी होते हैं, और विटामिन्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन उपस्थित होते हैं। ये देखिए, आपको एक रेडी क्रॉप और खेत में क्रॉप जो है वो दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में। और यूजेस, बहुत सारी जो हमारे डिशेस हैं उनमें ग्राउंडनट सीड्स का उपयोग किया जाता है, और इसका जो ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल जो है, उसको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो कर्नल्स यानी बीज जो होते हैं उनको पानी में सोक करके उसके बाद या तो सैंड पे उनको गरम करके या डीप या ऑयल में फ्राई करके या फिर सैंड के ऊपर हल्का सा गरम करके इसको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका स्वाद बढ़ जाता है। मेडिसिनली इस ऑयल को कब्ज़ वगैरह जब होता है या कोई हल्का सा स्किन प्रॉब्लम होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा हाइड्रोजनेटेड वनस्पति सोप, लुब्रिकेंट्स, एल्यूमिनेंट्स, कॉस्मेटिक्स और मार्जरीन के मैन्युफैक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो ऑयल केक होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो कैटल फीड के लिए या दूसरे फार्म एनिमल्स को भी फीड किया जा सकता है, और इसका सीड्स का फ्लोर बना कर अर्थात उसको आटा बना करके भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट बन जाता है। इसकी रिकमेंडेड वेराइटीज़ जो हैं, बंच वेराइटी में CG2, ICGS 11 एंड 44, JL 24, VRI 1 एंड 2 वगैरह हैं, और रनर वेराइटी में कादरी 71, S230, चंद्रा, चित्रा, M13 एट्सेट्रा। थैंक यू।